पिछले दो साल में यानी 2016 में एक कार्निवल हुआ और वो एक थोड़ा सा एक हमने कोशिश की कि इसको पहले से बेहतर बनाएं। फिर 2017 में हुआ, लास्ट ईयर का कार्निवल बहुत ग्रैंड सक्सेस था, पेरेंट्स ने काफ़ी इंजॉय किया, जो भी विजिटर्स आए थे उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने भी बहुत उत्साह से उसमें भाग लिया। इस साल हमने उसको और थोड़ा बेहतर करने के लिए बच्चों की फरमाइश पर, बच्चों की रिक्वेस्ट पे एक सेलिब्रिटी को बुलाया रफ्तार को, तो वो आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। और क्योंकि वो रफ्तार खुद ही एक यंग परफॉर्मर है तो यंग जनरेशन में उनका क्रेज भी है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने सोचा कि बच्चों की खुशी के लिए हम सेलिब्रिटी को बुलाते हैं ताकि बच्चों के कार्निवाल में चार चांद हो। इस कार्निवाल को करने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों को हम अगली सेंचुरी के लिए तैयार करें और उसमें बच्चों को मार्केटिंग स्किल्स आ जाते हैं, अपनी स्टॉल लगाते हैं बच्चे छोटी छोटी, तो उनको कैसे पेरेंट्स के साथ, उनके जो पेरेंट्स ही हैं वही एक तरीके से कस्टमर हो गए, तो उन पेरेंट्स कस्टमर को आप कैसे लीड करते हैं, कैसे उनको वेलकम करते हैं, कैसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो थोड़े मार्केटिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, दूसरा बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और बच्चे खुद भी इंजॉय करते हैं। इस कार्निवाल को स्टॉल्स के रूप में ना करके हम लोगों ने बच्चों का कार्यक्रम भी रखा है, इसमें कल्चरल रंगारंग कार्यक्रम है जिसमें सारे एज ग्रुप के बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होंगे रफ्तार के आने से पहले यानी 2 बजे तक उनका कार्यक्रम है। बच्चे क्रिसमस कैरल्स भी गाएंगे और क्योंकि हमारा देश जो है, हम अपने देश को इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, तो हमारी इतनी सारे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हमारे पास सभी कास्ट एंड क्रीड के बच्चे हैं और हमारा देश भी बहुत सारे कास्ट और रिलीजन का समावेश है, तो क्रिसमस कार्निवाल में एक नए साल का आगमन का भी एक उत्साह रहता है। तो यही नहीं है कि सिर्फ ये क्रिश्चियन मिशनरी के लिए ही ये फेस्टिवल है, तो हमारे यहाँ नए साल को भी मान्यता दी जाती है, तो और बड़ा दिन भी कहते हैं उस समय, थोड़ा सोचते हैं कि 25 दिसंबर के बाद से बड़ा दिन शुरू हो जाता है, तो बच्चों में एक उत्साह रहता है नए साल के आने का भी और अपने खुशियाँ मनाने। बच्चों को दाखिला दिलाते हैं, तो उसमें हमने जो थीम दी है, तो हमने इंडिया की 20 जो अपनी मेन मेन 28 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमने डिवाइड कर, तो उसी बात पे जैसे हमारी क्लास 8 ने साउथ इंडिया की जितनी मेजर स्टेट्स हैं उनके बारे में कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है और वहाँ की वेशभूषा क्या है और वहाँ के लोग किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम अपना मनाते हैं, तो उसी थीम पे बच्चों ने क्लास 8 ने किया। फिर क्लास 7 को पंजाब एंड हरियाणा किया था, तो उन्होंने पंजाब और हरियाणा क्रिएट किया था, उसी पे प्रोजेक्ट्स बनाए थे बच्चों ने, उसी पे रंगारंग कार्यक्रम किया था और हर बच्चा थोड़ी थोड़ी डिश पंजाब और हरियाणा की बना के लाया था ताकि यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकें, इससे बच्चों को बहुत सारी डिशेस के नाम भी पता चले और कैसे बनाए जाते हैं, और उसी बेस पे हमने प्रोजेक्ट किया था। फिर हमने क्लास 3 को जम्मू एंड कश्मीर दिया था थीम, तो क्लास 3 के बच्चों ने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में सब किया। फिर हमारा क्लास 4 का था, क्लास 4 को हमने थीम दी थी ईस्टर्न वैली, वेस्ट बंगाल, असम एंड बिहार, 3 स्टेट्स उनको क्लास 4 को दी थी। क्लास 5 को हमने गुजरात दिया है, क्लास 6 को राजस्थान दिया है, क्लास जो है 1 को हमने हिमाचल और उत्तराखंड दिया था, क्लास 2 को हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, मिजोरम और ये सब दिए। और ये सब कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि बच्चे इनके बारे में सीखे कि हमारे भारतवर्ष में इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने तरीके के लोग हैं, इतने तरीके की वेशभूषाएं, इतने तरीके के व्यंजन हैं और ये हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जो उनके बारे में सीखे हैं, जैसे कोणार्क टेम्पल है आपका उड़ीसा का, वो बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों ने जगन्नाथ यात्रा निकाली तो जगन्नाथपुरी में, भुवनेश्वर में जगन्नाथ यात्रा क्या होती है, उसी तरीके से ये उत्तराखंड की उनकी पूजा होती है,
असम का बिहू होता है, तो इस तरीके से फेस्टिवल्स के बारे में भी पता चला। और इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर एक वर्कशीट बनाई क्लास वाइज, उन बच्चों को वर्कशीट दी ताकि उसपे बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो उन्होंने मैच द कलम करा, उससे बड़े बच्चों ने फिल इन द ब्लैंक करा, उससे बच्चों ने क्वेश्चन आंसर्स करे, तो इस तरीके से उनकी एजुकेशनल ट्रेनिंग भी हुई अपने देश के बारे में। और कार्यक्रम का कार्यक्रम हो गया और 100% पार्टिसिपेशन हुआ बच्चों।